अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो है जमजम पानी। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इसमें हमें पता चलेगा द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जमजम वाटर। जमजम वाटर हम लोग मेरी एक नई सीरीज स्टार्ट की है मोहम्मद सब के लिए, उसमें भी हम लोगों को वो जमजम के कुएं के बारे में पता चला था। तो मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था कि हम लोग जरूर, मैं एक ऐसा वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें हम लोगों को पता चलेगा कि उस वो वाटर नॉर्मल वाटर से अलग कैसे है। तो आई थॉट कि आज ही मैं इस वीडियो को बना लेती हूँ, बिकॉज ज्यादा गैप हो जाएगा तो थोड़ा सा ना वो एक जो पीस बनता है वो बिगड़ जाता है। तो इस वीडियो को देखते हैं और हम लोगों को पता चलेगा कि जो जमजम कुएं का पानी है वो इतना प्रीशियस क्यों है और वो कैसे एक नॉर्मल वाटर से अलग है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट आबे जमजम। दोस्तों, आमतौर पर कुएं से पानी निकालो तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन जब बात मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी की होती है तो ये पानी ना सिर्फ चमत्कारी है बल्कि इतना रहस्यमय है कि इसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की संख्या में लोग पानी निकालते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने सालों में ना ही ये कुआं सूखा और ना ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। और ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है, जिसके पीछे ये कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जब हम आपको एक वैज्ञानिक की इस पानी के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में बताएंगे तब तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि जमजम के पानी का रहस्य वाकई दिमाग को हिला देने वाला होगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें भैया, कंजूसी ना करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ही दीजिए। हम आपको इस पानी के रहस्य के बारे में बताएं उससे पहले इस पानी के पीछे की कहानी सुन लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के दिए आदेश का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगा कि उसने रेत के ऊपर अपनी एड़ियां रगड़नी शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार होता है और रेत में से पानी निकलने लगता है, और यही वो जगह है जहां पर बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम पानी के नाम से जानती है। और इसी पानी को मक्का मदीना में हज की यात्रा करने गए लोग ना सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं और अपने घर पर भरकर लाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये दुनिया का सबसे पवित्र पानी है जो कि सभी कष्टों को दूर कर देता है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच कैसे ये जमजम का पानी आता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर की कई सारी तहकीकात की गई, फिर ये नतीजा निकाला गया कि जमजम का पानी मक्का की पहाड़ियों पर बनी दरारों से आता है। और इस्लामिक मान्यताओं की माने तो पहाड़ियों पर ये दरारें तब बनी थीं जब इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर रगड़ा था। अब आप सोच लीजिए कि इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर महीन दरारें पड़ गईं कि आज के समय के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर क्यों मुसलमान जमजम के इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च की, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मिसाओ मातो ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। मिसाओ मातो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता था। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक अपनी स्टडी की। इनकी ये रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि मिसाओ मातो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा। इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। इनका कहना है कि जमजम के पानी के मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप से देखा ही नहीं जा सकता। जमजम का पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए और इसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए जमजम पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की हजार बूंद के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। मिसाओ मातो ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। इनका कहना है कि जब जमजम पानी की मात्र एक बूंद को नॉर्मल पानी की हजार बूंदों में मिलाया जाता है तो उन हजार बूंदों में भी वही गुण आ जाते हैं जो जमजम पानी की एक बूंद में होते हैं। अगर हम इस जापानी वैज्ञानिक की माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है।
अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी का क्रिस्टल बनाएं तो उसकी बनावट अलग अलग होगी, लेकिन जब मिसाओ मोतो ने जमजम के पानी से क्रिस्टल्स बनाए तो वे पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम पानी से बनने वाला क्रिस्टल नॉर्मल पानी से बनने वाले क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी बनता है। दोस्तों, ये सारी चीजें हैरान करने वाली तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब मिसाओ मोतो को ये पता चलता है कि मुसलमान इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये जापानी वैज्ञानिक तो इस पानी के बारे में हर एक चीज जानना चाहता था, इसलिए इन्होंने भी इस प्रोसेस को अपना कर देखा और फिर पाया कि जब इस पानी के सामने बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो इसके क्रिस्टल्स पूरी तरह से बदलने लगते हैं और इस पानी की गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, जमजम का पानी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता और ना ही इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआ एकमात्र ऐसा कुआ है जिसमें आज तक काई नहीं जमी है। जब मुसलमान इस पानी को पीते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अमृत पी लिया है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी आंखों के लिए खाना है और बीमारों के लिए दवा। पर दोस्तों, जहाँ एक तरफ मुस्लिम इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक भी नहीं मानते। असल में दोस्तों, 1971 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में लिखा था, मक्का का जमजम पानी लोगों के पीने लायक बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए इस पानी को दूषित बता रहा हूँ क्योंकि मक्का समुद्र तल के नीचे है और ये कुआ मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है, इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से आकर इस कुएं में जमा होता रहता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। दोस्तों, इजिप्ट के डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जमजम के पानी के सैंपल को टेस्टिंग के लिए यूरोपियन लैब में भेज दिया गया, पर इस पानी की टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट सामने आए उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। असल में रिपोर्ट में ये बात सच साबित हुई कि जमजम का पानी सच में किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, पानी को अच्छी तरह से जांचने के बाद ये पता चला कि कुएं के अंदर इतनी गंदगी होने के बावजूद भी ये पानी इंसानों के पीने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस कुएं के पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की अधिक मात्रा होने की वजह से यदि इस कुएं के पानी को कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी पीता है तब भी वो अपने आप को तुरंत ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगता है। उसके अलावा जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है, यानी कि इस पूरी रिपोर्ट ने इजिप्ट के डॉक्टर्स का जमजम पानी के बारे में फैलाया गया झूठ लोगों के सामने रख दिया। अब दोस्तों, आप इसे अल्लाह का चमत्कार कहिए या फिर प्रकृति का तोहफा, लेकिन जमजम का ये पानी वाकई में किसी भी अजूबे से कम नहीं है जो रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने के बावजूद इतना ज्यादा पवित्र और फायदेमंद है। जो कोई भी इसे पी ले वो अपने अंदर एक अलग ही प्रकार की शक्ति महसूस करता है, क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में कई सारे विशेषज्ञों ने इस कुएं के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी विशेषज्ञ इस बात को नहीं बता पाया कि मरुस्थल के ठीक बीचों बीच में इतना सारा पानी कैसे आ जाता है। हालांकि ये बात सच है कि इसके अंदर पहाड़ों पर बनी दरार से पानी आता है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पर मौजूद पानी की एक सीमा होती है और जमजम के कुएं के पानी को तो जरूरत पड़ने पर बेहिसाब मात्रा में निकाला जाता है। हर रोज न जाने कितना पानी इस कुएं से निकलता है, लेकिन फिर भी ये कुआं कभी खाली होने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, ये सारी बातें जमजम के पानी के बारे में एक ही इशारा करती हैं कि ये पानी अल्लाह द्वारा अपने बंदों को दिया गया एक तोहफा है जो हर मुश्किल को दूर कर देता है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। वाह, ये मम्मा, ये वाटर कभी डर्टी नहीं आता गाइस, यू नो। नहीं, ये वाटर कभी डर्टी नहीं होता है, इसमें कभी काई नहीं जमती, इसमें कभी फंगस नहीं आती और ना ही इसमें वो जो छोटी छोटी सी बूटियां सी उग जाती है ना पानी में, नॉर्मली अगर कहीं पे भी पानी काफी टाइम तक रुका हुआ है या नॉर्मली अगर रिवर्स की साइड में भी हम लोग देखते हैं, किसी कुएं में भी देखते हैं तो कुएं की साइड में वो काई वगैरह जम जाती है, तो इसमें बिल्कुल भी ये जो जमजम का कुआ है बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें कोई काई नहीं है, कुछ जमा नहीं हुआ, कुछ गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा है। और देखो, ये मेडिकली प्रूवन है कि ये पानी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए, आंतों के लिए बहुत अच्छा है ये पानी। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि इंडिया में अगर कोई होली रिवर है जैसे गंगा, तो हम लोग अगर वहां पर जाते हैं तो वहां का वो होली वाटर लेकर अपने घर पर आ सकते हैं, जैसे इसमें वीडियो में ऑल्दो उन्होंने मेंशन किया था। तो क्या इज इट पॉसिबल कि वहां जैसे अगर हम लोग किसी को बोले कि आप वहां जा रहे हो तो वहां से हमारे थोड़ा सा बोतल में जमजम का पानी ला देना, क्या पॉसिबल होता है कि उन लोगों को ऐसे परमिशन होती है कि वो वहां से वाटर लाकर हम लोगों को दे सके? तो अगर पॉसिबल है तो आप लोग जरूर बताइए, और आप लोगों की फैमिली से या कोई भी लोग वहां जाएं अगर हज करने के लिए तो मेरे लिए थोड़ा सा होली वाटर जरूर लेकर आइए वहां से।
क्योंकि इतना यू नो इतना यूनिक वाटर और इसमें हेल्दी होता है हमारे लिए वो। हाँ वो हमारे लिए हेल्दी होता है, तो इतने अच्छे वाटर को तो हम लोग जरूर पीना चाहेंगे। आई डोंट नो कि मेरी किस्मत में कभी होगा कि मैं वहाँ जा सकूँ, कभी अल्लाह मेरे ऊपर इतना इतनी नेमत करेंगे कि मैं वहाँ जाकर वहाँ उनके दर्शन कर सकूँ या वो पानी को ऐसे खुद से पी सकूँ। बट प्लीज़ अगर ऐसा पॉसिबल है और आप लोगों में से कोई मुझे थोड़ा सा जमजम का वाटर लाकर दे सकता है तो प्लीज़ बताइए। वहाँ की तो एक ड्रॉप भी अगर मैं अपने दूसरे पानी में मिला दूंगी तो था ना कि बाकी पानी भी उसकी तरह ही शुद्ध हो जाएगा, मीन्स उसमें इतनी ताकत है उस पानी में। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ही बेशक ला के दे देना, प्लीज़ ज़रूर बताइए, राइट इन द कॉमेंट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हेल्प मी। बाय 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 बाय।